नमस्कार, ममता के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंकी मसाला। फ्रेंकी मसाला बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो आमतौर पर हम सबके किचन में आसानी से मिल जाता है। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी मसाला ये बनकर तैयार होता है। आप इसको जिस भी डिश में डालेंगे ये आपके खाने का स्वाद को बढ़ा देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेंकी मसाला बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और नाप बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इस चम्मच के हिसाब से सभी मसाले डालूंगी। तो सबसे पहले डालूंगी मैं 1 चम्मच लाल मिर्च, इसी के साथ डालूंगी मैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, इसी के साथ डालूंगी इसमें मैं 1/2 चम्मच के करीब काली मिर्च, 1/2 चम्मच ही मैं हल्दी का इस्तेमाल करूंगी। तो सफ़ेद नमक जो है वो भी मैं 1/2 चम्मच के करीब डालूंगी और इतना ही मैं काला नमक डालूंगी। काले नमक से हमारा फ्रेंकी का मसाला जो है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। इसी के साथ इसमें डालूंगी मैं 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच के करीब मैं जीरा पाउडर डालूंगी, इसी के साथ इसके अंदर डालूंगी अब मैं 2 चम्मच अमचूर। तो अमचूर थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, तो 2 चम्मच के करीब मैंने अमचूर डाल दिया। इसी के साथ मैं डाल दूंगी 1 चम्मच अनारदाना और इसी के साथ मैं हींग को डाल दूंगी 1/4 और इसी के साथ मैं अब इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच चाट मसाला। तो अब सारे मसाले को मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी। तो सारे मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं इसको टेस्ट कर लूंगी, अगर मुझे नमक थोड़ा सा कम लगेगा तो मैं डाल लूंगी। वैसे नमक डालते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम चाट मसाला डालते हैं उसके अंदर भी नमक होता है, तो आप जो भी नमक डालेंगे उसको ध्यान से डालेंगे। तो एक जार को ले लिया है हमने, अब सारा मसाला मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मसाला हमने एक जार के अंदर डाल दिया था। बहुत ही बढ़िया टेस्टी मसाला हमारा ये बनकर तैयार हुआ है। अगली बार जब कभी भी आप अपने घर में रोल, सैंडविच या बर्गर बनाएं या किसी और डिश में भी आप इसको डालेंगे तो ये आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगा। आप एक बार इसको अपने घर में ट्राई ज़रूर करें। तो अगर आपको मेरा बनाया फ्रेंकी मसाला पसंद आया है, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ। नमस्कार।